नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में। भाई आज का दिन थोड़ा ऐसा है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और बस सर्दी सर्दी जाते जाते तो कुछ तो असर दिखाएगी। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि भाई पहले ही बताऊँ कि चाहे तबीयत हो लेकिन घर के काम तो करने ही पड़ते हैं, तो जो थोड़े बहुत काम है तो वो मैं कर रही हूँ। और मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने एक चीज़ वो रखी थी वो ख़राब हो रही थी, तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ, कोई नहीं मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं ये ना साबुन, मतलब डिब्बा आप इग्नोर कर सकते हैं, ये मैं एक ही यूज़ करती जा रही हूँ। तो ये ना नींबू, ये नींबू ना ख़राब हो चुका था, ऊपर से उसका छिलका बिल्कुल ख़राब हो चुका था, जैसा आप देख सकते हैं नींबू। तो ये नींबू का छिलका ना मैंने उतार दिया, सारा उतार दिया छिलका चाकू की सहायता से मैंने इसको उतार दिया। अब मैं इसको खोल कर, ऐसे खोल कर इसके बीज निकाल दूँगी। और ना आप देख रहे होंगे नीचे भी मेरे कुछ ऐसे ही एक नींबू का वो पड़ा है। पता है आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ना ये ऐसे ट्रिक से इसको करा और मैंने ऐसे ही करा कि चलो उसमें डाल देती हूँ यार, ख़राब तो हो ही रहा है सर्फ में, तो नींबू तो वैसे भी होता है, तो विम में मैंने इसको ऐड कर दिया और ऐड कर दिया ना, और फिर है ना इसे ऐसे मतलब उससे ऐसे मिक्स कर दिया। सच में मेरे बर्तन इतने फटाफट से जल्दी ऐसे चमक के साफ़ हो रहे हैं और बिल्कुल ऐसे साफ़ बर्तन हो जाते हैं, और नींबू से तो वैसे भी चमक ही जाते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए ये नुस्खा, देखना मज़ा आ जाएगा। इसलिए मैंने ना अभी इस नींबू के चक्कर में मैंने दो टिक्की अपनी कर ली है ताकि इसमें मिक्स हो जाए ये। मैं घोलूंगी नहीं ऐसे, लेकिन हाँ इसके ऊपर डला रहेगा तो साथ में ये भी आएगा, और इसकी सहायता से मतलब ऐसे ये छिलका भी लग जाएगा इसमें और ये भी। तो आप देखना कितना चमकदार, थोड़ा बहुत हम भी देख लेते हैं और ये इतना शाइनी शाइनी सा क्यों मुँह आ रहा है ये? हाँ इधर ब्लैक है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, देखिएगा। मेरा किचन साफ़ करने का टाइम है तो हम किचन साफ़ कर लेते हैं। चारों में स्कूल से आ गया, खाना खा लिया, प्याज के आलू बने थे, उसके बाद में पढ़ने बैठ गया था। मम्मी से तो कपड़े सुखाने चली गई थी, तो अभी पढ़ के उठा हूँ, बज रहे 5:25, मतलब 5:25 से पढ़ के नहीं उठा, 5:15 बजे उठ गया था, 10 मिनट ऐसी घुमा फिरा घर में। और मेरा लाइसेंस इशू हो गया है परमानेंट, ऑनलाइन आ गया है, मैंने डाउनलोड कर लिया डिजी लॉकर पे, बहुत खुश है भाई। पता नहीं अब हार्ड कॉपी जब भी आए, पर एक बार आ गया। चलो अब जा रहे हैं ट्यूशन, आधे घंटे बाद ट्यूशन है, मम्मी को बुला लें छत पर से, छत पर धूप तो बहुत सेक ली होगी, वो धूप सेक के मम्मी आंटी क्या चली गई, अभी मैसेज देखा मैंने आंटी क्या मम्मी। चलो भाई मम्मी को बुला लें, फिर हम लोग चलते हैं ट्यूशन।